feel them right here. Please put your hands together. I think after seeing the trailer, तालियां रुक नहीं रही है. Okay, एक सवाल है before we continue. I have one mic for you with me. Okay, could you tell us something about your role in this movie? Me? Yeah. Yeah, my role, yeah. Hi guys, Ijaz, aka Lucky Singh. So, शम्मी कितना कह सकता हूँ मैं? सब कुछ कह दूँ? नहीं. हाँ, थोड़ा सा शम्मी ने कहा है मुझे कहने के लिए. तो जैसे ट्रेलर में आपने देखा, मुझे एक लॉटरी जैसी सिचुएशन आती है और मुझे एक करोड़ मिलने की संभावना होती है, लेकिन क्या होता है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी. करेक्ट सर, मैं बताऊं? नहीं. हाँ, तो हमारे दो हीरोइन हैं इसमें, जिनके बीच में मैं थोड़ा सा पिस रहा हूं और मुझे इसमें पिसा रहे हैं बाबा जी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट ही इज द मोस्ट फनीस्ट एलिमेंट ऑफ द फिल्म. बाकी सब आस्ते आस्ते ये और क्वेश्चन मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताते रहूंगा, लेकिन इन शॉर्ट दैट इज अबाउट व्हाट माय रोल इज इन द फिल्म. और बाकी सब तो आप देख ही देंगे. ओके, तो ये आई एम सॉरी, मैं अभी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ. ओके, सो बिफोर वी कंटिन्यू, ऐसे एक शख्स को यहाँ पे बुलाते हैं जो पूरी ये फिल्म बनाने की डोर जिनके हाथ में थी. सो कैन यू प्लीज वेलकम द डायरेक्टर मिस्टर शम्मी अबरा. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. अ वेरी गुड इवनिंग शम्मी. कुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस फिल्म? इट लुक्स लाइक एन अमेजिंग, फनी, रोमांटिक, म्यूजिकल एंड डेफिनेटली अ फुल टाइम एंटरटेनर. गुड आफ्टरनून. लकी कबूतर एक रोमांटिक फैमिली कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि राज कवर्स बैनर जिससे ये फिल्म बनाई गई है फेमस है म्यूजिकल फिल्म के लिए, रोमांटिक फिल्म्स के लिए, मसाला फिल्म के लिए. राज कवर्स इज अ बिग नेम, बहुत बड़े नाम है. उनके बेटे साथ में खड़े हैं हमारे, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा अपडेट होते हुए, जो ट्रेंड चल रहा है, जो मासेस को ध्यान में आता है, वो आपने ट्रेलर से देखा होगा कि वो चीज़ है. क्योंकि मैं लास्ट टाइम एक फिल्म देखी थी डर्टी पिक्चर, उसमें विद्या जी एक डायलॉग बोलते हैं, फिल्म में तीन चीजें चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड सिर्फ एंटरटेनमेंट. और ये फिल्म में सिर्फ एंटरटेनमेंट है और मैं एंटरटेनमेंट हूँ. सॉरी, लकी जी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इजाज हैं, रवि किशन जी सुपरस्टार, उनका अलग रूप देखेंगे आप. संजय मिश्रा का आप देख ही चुके हैं कि इन्होंने ट्रेलर में दिखाया तो क्या क्या वो करेंगे आगे. राज है, इनका बहुत सिंपल सा रोल है, बहुत सिंपल लेडी बनी है, हाउसवाइफ बनी है इनकी, वो अच्छा रोल है. श्रद्धा दास जो वहाँ की सबसे सुंदर लड़की का हमने रोल दिखाया वो है. और श्याम गोयल जी यहाँ भी प्रेजेंट हैं, उन्होंने लिखी है और म्यूजिक संतोष सिंह ने दिया है. तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है. आप इतना कहना चाहूँगा कि आप दिमाग लेके जाएंगे तब भी हंसेंगे, नहीं लेके जाएंगे तो ज़्यादा हंसेंगे, लेकिन हंसेंगे तो. फैंटास्टिक. Members of the press, Q&A session के लिए हम ये session open करना चाहते हैं. Any questions, please feel free to ask them. Because my father, he decided that you want to do with Shami first. So that is one of the reasons that I decided to do the project with him first. Yeah, I did in Sabia. Just production. I was producing. He was a very, very hands-on producer. He had his hands on me all the time. Yeah. Only on me. Yeah. आम भारतीय मर्द की भावना है, वही है. कंफ्यूज्ड, थोड़ा बहुत सेक्सी और औरतों के बीच में. नहीं यार, बहुत मजा आया मुझे. शम्मी ने जब पहली बार ही नरेशन मुझे दिया और कुछ 10 मिनट में बोला, भाई आगे मत बोलो, मैं रेडी हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ. और अगले हफ्ते से हमने शूटिंग शुरू कर दी. आई हैड सच अ ब्लास्ट डूइंग द फिल्म.
एक-एक सिचुएशन में रिएक्ट करते करते इनफैक्ट हम कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि हंसते हंसते गिर जाते थे ऐसे सिचुएशंस में। जो स्क्रिप्ट में लिखा था, जो डायलॉग्स में लिखा था, हमने बहुत कोशिश की कि उससे बढ़कर और एंटरटेन करें और उसको कॉमिक करें और उसको इंटरेस्टिंग करें। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ इज इट फॉर मी, एज यू कैन सी इट्स बीन 38 इयर्स सिंस आई हैव बीन अ लिटिल सेक्सी, सो आई एम यूज्ड टू इट। थैंक्स। करना पड़ता है, मैं कह नहीं सकता ज्यादा। उतना रोमांटिक नहीं हूँ मैं, थोड़ा क्या मैं बोलूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्या बुलाती है, थोड़ा इरिटेटिंग बुलाती है मुझे कभी कभी, क्योंकि मैं लकीर का फकीर हूँ और बहुत ही निट पिकिंग हूँ हर एक चीज़ों में घर पे। तो मैं सारी मेरी रोमांटिक फितरतें स्क्रीन के लिए रखता हूँ और आप इसमें बहुत कुछ देखेंगे मेरी रोमांटिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नहीं, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको जो ये हेयर स्टाइल को आपने शायद देख के बोला हो, हेयर स्टाइल कॉल्ड एफ्रो हेयर स्टाइल, ये मुझे पता था ये क्वेश्चन होता है। हमारी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में सेंसर ने गई थी, वहाँ से उन लोगों ने क्लियर किया है कि कुछ भी रिजेंबल नहीं है सत्य साई बाबा जी से, ना हमारी भावना है उनको, ना हमने उनका नाम यूज़ किया है, ना हमने उनको कह लीजिए उनका ट्रस्ट का नाम यूज़ किया। वो रिस्पेक्टेड गुरुदेव रहे हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है, रिकार रूप में वो प्रेजेंट है। तो उस वजह से अगर बोले कि उनके उनके भक्तों के लिए किसी भी तरह से किसी की भी भावना, रिलीजियस भावना को फेस करने के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि वो हमारा जो कैरेक्टर है और टोटली फिक्शियस कैरेक्टर, जो आम आप अगर अघोरी या तांत्रिक बोले वो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप रिजेंबल करेंगे सत्य से आपको सिर्फ बालों के अलावा कहीं कुछ भी नहीं मिले। किसी भी एंगल से सेंसर बोर्ड ने हमारा रिवाइजिंग कमेटी में गया, वहां से पूरा क्लियर होने के बाद ही रिकॉर्ड यूएस सर्टिफिकेट। इट्स 1 hour 57 मिनट्स। गाने 5 मिनट, 5। इसमें ऐसा है कि जो गाने हैं वो स्टोरी को आगे लेके जाएंगे, तो आपका जो मूड है वो खराब नहीं होगा, मतलब जो एक फ्लो जो होता है फिल्म का वो नहीं टूटेगा। दैट्स व्हाई वी मेक इट क्रिस्प फिल्म, के क्रिस्प बने और जहाँ गानों की जरूरत थी वहीं गाने डाले गए, बिकॉज वी रिकॉर्डेड 6 सॉन्ग्स। मैंने फिल्म के अंदर 5 रख दिया जान के, क्योंकि वो फिल्म के छठा गाना हमारे खराब कर रहा था, रिमूव इट, आई शूट दैट सॉन्ग, लेकिन वो निकाल दिया गया क्योंकि वो फ्लो को खराब कर रहा था। तो इसलिए जो फिल्म के अंदर रखा गया उसके 5 गाना। ये बहुत टिपिकल आंसर इन्होंने दिया कि स्टोरी फॉरवर्ड लिखी जाती है, बट आई विल सेकंड दैट। इसमें ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो अरे गाना बीच में ऐसे क्यों आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट गाने के बारे में हम आई थिंक संतोष जी भी कुछ बात करेंगे, लेकिन उसमें से मेरा जो बहुत फेवरेट गाना है वो बहुत बहुत एप्ट है, और जब आप देखेंगे यू विल रियलाइज कि वो क्लासिक गाना रहेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, इवन 20 इयर्स डाउन द लाइन दिस म्यूजिक इज गोना बी स्टेइंग। सर ऑल आर शूटिंग है, क्योंकि उनको इन्फॉर्म किया गया था, और लेकिन वो ऑल आर शूटिंग आउटसाइड, कोई बॉम्बे में प्रेजेंट ही नहीं है। रवि जी आउटसाइड, उनका सुबह मुझे कॉल आया, उन्होंने मीडिया से उन्होंने मैसेज देने के लिए बोला स्पेशली कि मीडिया को बोलना कि आई एम डूइंग अ डिफरेंट रोल, इज डूइंग डिफरेंट रोल, वेरी डिफरेंटली वो कर रहे हैं। पहली बार वो पंजाबी जट का रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने मीडिया के लिए बोला कि नेक्स्ट जो इवेंट होगा आई विल बी देयर, तो मेरे तरफ से एक मैसेज देना कि रवि किशन इज बैक अगेन विद अ डिफरेंट रोल, डिफरेंट एक्शन, क्योंकि उनकी अभी दूसरी फिल्म भी आ रही है उसमें डिफरेंट अवतार में आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया गया, बहुत ही अलग तरह से। आप जब फिल्म देखेंगे बिल्कुल ही दबंग टाइप ऑफ कैरेक्टर है, पहली बार पंजाबी जट का रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो स्टारकास्ट का दूसरे स्टारकास्ट का यह कि ऑल आर बिजी समय, वो ऑल आर शूटिंग और बॉम्बे में प्रेजेंट नहीं है, तो उन लोगों ने जो मैसेज दिए हैं तो उन्होंने बोला कि बेस्ट ऑफ लक बोला है हम लोगों को, लेकिन नेक्स्ट इवेंट में दे विल वो प्रेजेंट है। I think he's Ijaz's brother to me, and I just hope that people accept it well and they enjoy the film as much as we all did. Sir, वो शेर बोलते हैं ना, कुछ कुछ dash 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 आगे आगे देखिए होता है क्या? I would second that. आप देखिएगा, please देखिएगा.
I wish, मैं वही तो कह रहा हूँ, I wish I had that. लेकिन in this जो भी situations हो रहे हैं, मुझ पे हो रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहे हैं. So ज़्यादा मुझे react ही करना पड़ता था, but वैसे कुछ dialogues नहीं थे, जैसे sexy आप बोल रहे हैं या double meaning के बोल रहे हैं. मुझे बोलने नहीं थे, but in the film आप you'll see के none of the dialogues feel out of place. They will not feel out of place because they are in the situation. और अगर अगर आप आम situation में भी उसे वही dialogue बोलेंगे, तो you could take it in a normal way. But in that situation, it sounds different. Okay, before we continue this Q&A, sorry for the interruption. Could I please invite Dhananjay Yadav ji from Dhananjay Films Private Limited to join them? Please put your hands together. And also Mr. Manoj Nandwana from Jay Vidatra Entertainment Limited. Could I please invite both of them to join? Yes, members of the press, please continue the Q&A. जी. सर मैंने पिक्चर नहीं देखी. क्यों सर? सर मैं काम कर रहा हूँ रात दिन. बताइए सर. सॉरी. सर मुझे पता नहीं ग्रैंड मस्ती को यू ए मिला था, ए मिला था कि क्या मिला था, बट आई फील आई नो दैट हमारी फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला है. और मेरा रास्ता कितना आसान होता है या मुश्किल होता है वो मुझे पता नहीं. सर मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि पिक्चर अच्छी है और किसी फिल्म से मुझे लेना देना है ही नहीं. मुझे पता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है. मुझे पता है कि आप भी जब जाके देखेंगे वंस यू सी द होल फिल्म आई विल कम एंड टॉक टू यू, और आप भी कहेंगे कि आप एंटरटेन तो हुए और आपको आपके टिकट का वसूल तो मिला. तो मुझे दूसरे फिल्म से सच में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे किस्म के फ्लेवर के फिल्म आ रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. This film is it's a masses oriented film. We always make films which are masses oriented, but this film is more on a village kind of a backdrop, a Punjabi flavor film. The rest of the films that we made were basically overseas locations, you know, beautiful costumes and all of this kind of thing, which my father was, you know, he was famous for. But this film was scripted by Shyamji with my father. So he was the one who started this whole project. And it was my job in a way to make sure that this project was finished on time. So that is one of the main reasons why we started this film and to complete this film. And it was a good film, to be honest. Meri khushkismati hai ki I was associated with this film. In fact, it was a last minute edition and I couldn't have had asked for a better person, better producer to work with, Karan. And I think his father's blessings were always with us.